अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज हम बनाएंगे बॉम्बे का स्पेशल खिचड़ा। खिचड़े के लिए जो मुझे दालें चाहिए, आइए वो देखते हैं। इसके अंदर दालें हैं और गेहूं भी है। जो ये छड़ा हुआ गेहूं होता है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये जो ऐसा होता है जिसकी स्किन निकली हुई है, इसको कुटा हुआ गेहूं भी कहते हैं। तो ये जो है मैंने 1 कप लिया है। और उसके बाद बाकी सारी मिक्स दालें जो हैं वो सब मुट्ठी भर ऐसे मैंने डाल दी हैं। बस अंदाजे से थोड़ा थोड़ा जो है सारा सब मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने उसके अंदर चावल भी डाला है थोड़ा सा, मुट्ठी भर। मेरा कहने का मतलब है कि सारी दालें आप मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल डाल सकते हैं। और ये जो चौली होती है, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, जो ब्लैक आई बीन्स होती हैं, ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है खिचड़े के अंदर। ये भी जो है आपने तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी ये भी डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें टोटल जो मैंने यहाँ पर निकाली हैं, ये तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब हो गया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 टाइम्स, और उसके बाद अब इसको मैंने सोक करके रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए। तो आइए देखते हैं अब हमें खिचड़े के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये खिचड़ा हलीम से थोड़ा सा अलग होता है। हलीम जो है बहुत पीसा जाता है और गोश्त भी जो है उसके अंदर बहुत बारीक पीस दिए जाते हैं। और खिचड़ा जो है बॉम्बे स्पेशल जो खिचड़ा होता है उसके अंदर थोड़ी चीज़ें साबुत होती हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने ब्लैक आई बीन्स लिए हैं जिसको चौली कहते हैं, ये जो है खिचड़े में बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने तकरीबन ये 2.5 कप जो है भिगा दिया था, जैसे आपको बताया 2 से 3 घंटे पहले। अब उसके बाद जो है उसके अंदर मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है, चर्बी के साथ है और बड़े बड़े टुकड़े हैं थोड़े। और उसके बाद मैंने 0.5 किलो तकरीबन जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डी वाले बोन का जो पार्ट होता है, वो वाले सारे मैंने ले लिए हैं। ये जो है हमने बाद में निकाल कर हम उसमें से फेंक भी सकते हैं, या अगर हमको उसको खाना है, जो हड्डी खाने का जो मज़ा होता है अगर वो खाना है तो आप खा भी सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 0.5 किलो लिया है, लेकिन गोश्त की क्वांटिटी जो है वो 1 kg है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हलीम का या खिचड़े का जो मसाला होता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। ये मैंने ख़रीदा नहीं है, घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत आसान है घर पे हलीम का या खिचड़े का मसाला बनाना, और अगर आप रेडीमेड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 किलो गोश्त के में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप तकरीबन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और नमक जो है वो ज़रूरत के हिसाब से लेना है। कुछ चीज़ें इसमें और हैं जो मैंने बाद में आपको बताना है। अब एक बड़े बर्तन में मैंने यहाँ पर तेल डालना है। मैंने बर्तन जो है अच्छा ज़्यादा बड़ा लिया है ताकि पकाने में आसानी हो। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब तेल डाल देना है। तेल जब गर्म हो जाए तब उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये गोश्त डालना है हड्डी के साथ, और इसको मैंने थोड़ा सा तेज़ आँच पर चलाना है, थोड़ा सा भून लेना है तेज़ आँच पर। 2 से 3 मिनट तेज़ आँच पर भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये पूरा का पूरा डालना है, और इसको भी मैंने साथ ही में भूनना है। गोश्त को जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में अब भूनना है। आँच अभी भी मैंने तेज़ ही रखी है, स्लो नहीं की है। इसको मैं लगातार भूनती जा रही हूँ, कंटिन्यू मैं इसको भून रही हूँ ताकि अदरक लहसुन जो है गोश्त के साथ अच्छा मिक्स हो जाए और उसका पूरा जो कच्चापन है वो निकल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब उसके बाद जो है मैंने आँच स्लो कर देना है, और ये जो मसाला मैंने बना कर रखा है ये सारा का सारा मसाला मैंने इसमें डालना है, और इसको अब मैंने अच्छे से चलाना है। आँच धीमी रखना है ताकि मसाला जले नहीं, और इसको भी मैंने अच्छे से भून लेना है। इसको भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब उसके बाद मैंने जो ये सारी चीज़ें भिगा कर रखी हैं, ये दालें और गेहूं और चावल, ये पूरा का पूरा मैंने इसमें डालना है, और उसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी डालना है, तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा पानी डाल देना है। मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 लीटर पानी डाल दिया है। आपको लग रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानिए ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ें पक जाएंगी तो गाढ़ी होना शुरू हो जाएंगी, और फिर हम बाद में उसमें पानी डालना उसके टेस्ट को थोड़ा ख़राब करने जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हमने पानी पहले से डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अब हमने इसको पकने छोड़ देना है।
पहले तेज आंच पर पकाना है ताकि उसमें उबाल आ जाए, और उसके बाद फिर इसको बहुत आंच धीमी करके 2 घंटे कम से कम पकाना है। मैंने आंच तेज कर दी है और ढक्कन लगाकर अब मैं इसके उबाल आने का वेट कर रही हूँ। अब इसमें उबाल आने लग गया है, ये देखिए। अब मैंने क्या करना है, इसको दोबारा ढक्कन लगाकर बहुत ही धीमी आंच पर, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए, और बीच बीच में 10-10 या 15 मिनट के बाद जो है इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 2-2.25 घंटे हो गए हैं, और मैं आपको बता दूं मैंने इसको बहुत ही धीमी आंच पर पकाया है, और ये देखिए ये तकरीबन जो है गल गया है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे इसके अंदर आपको जो है साबुत जो है दाने नज़र आ रहे हैं। इसको अब जो है हमें घोटना होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको घोटना होता है, या अगर घोटने के का काम जो है आप कम करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है घोटने की बजाय, ये हैंड ब्लेंडर मैंने हाथ में लिया हुआ है और मैंने बस इसको, चूल्हा मेरा ऑन ही है और मैं बस इसमें इसको बस मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने घुमाना है ताकि गोश्त ना गले और जो थोड़ा थोड़ा गेहूँ जो है वो हल्का सा कुचला जाए और जो है पूरा का पूरा मैश ना हो। बस ऐसे स्लो स्लो मैंने चारों तरफ इसको घुमा देना है ताकि थोड़ा गेहूं टूटे और थोड़ा बाकी रहे। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने इसके अंदर अच्छे से हैंड ब्लेंडर चला लिया है और आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कुछ गोश्त जो है वो थोड़ा सा टूट गया है, कुछ साबुत है, कुछ गेहूं के दाने टूट गए हैं और कुछ साबुत है, लेकिन अभी ये थोड़ा पतला है। अब मैंने चूल्हा जो है तेज़ कर दिया है क्योंकि अब सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है और अब मैंने बस इसको सुखा लेना है थोड़ा सा, इसका पानी जो है थोड़ा कम हो जाए, इतनी कंसिस्टेंसी जितनी के हमको खिचड़े में चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्पून से खाने लायक भी होना चाहिए। और अब इस वक्त मैंने इसके अंदर सॉल्ट डालना है, ज़रूरत के हिसाब से सॉल्ट डाल देंगे और उसको भी अच्छे से चला लेंगे। और अब जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो हड्डियां मैंने डाली थी एक्सेस वो भी नीचे हैं। अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं हड्डियों को, और अगर आप नहीं चाहते, जैसे कि मैंने इसमें से नहीं निकालना है, खाते वक्त ही जो है वो उसको मैं निकालूंगी क्योंकि कुछ कुछ हड्डियाँ खाने में अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसको हड्डियों को जो है ऐसे ही इसके अंदर छोड़ देना है। जैसे जो गूदे वाली हड्डियाँ हैं वो सब अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने इसके अंदर ऐसे ही रहने देना है और इसको बस मैंने थोड़ा सा गाढ़ा करके चूल्हा बंद करना है। खिचड़े को सर्व करते वक्त जो चीज़ें हमने उसके ऊपर डालना है वो मैंने तैयार कर ली हैं। यहाँ पर मैंने ये प्याज ब्राउन कर लिया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन किया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है प्याज का। उसके साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं, जिंजर जो होता है अदरक उसको जो है जूलियंस की शक्ल में कट किया है बारीक बारीक, पुदीना लिया हुआ है, और उसके बाद जो है लेमन वो भी मैंने कट कर लिया है, नींबू, ये सारी चीज़ें मैंने जब खिचड़ा सर्व करना है उसके ऊपर डालना है। तकरीबन टोटल 2.5 घंटे पकने के बाद अब ये खिचड़ा हमारा तैयार है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसको सर्व करते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बॉम्बे स्पेशल खिचड़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको घर पर बनाइए, इन सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व कीजिए और इसका मज़ा उठाइए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉम्बे स्पेशल खिचड़ा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।